सशक्तिकरण हो रहा है, बहुत जोर शोर से हो रहा है, केवल पोस्टर पर, एड पर, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर। और हमारे लिए आदेश आता है कि सशक्तिकरण जा जाकर आप गांव गांव में बालिकाओं को सिखाइए, उन्हें बताइए, लेकिन उसको अपने ऊपर ना लागू करिए, ये सरकार का कहना है। हम सशक्तिकरण दूसरों को सिखाने के लिए हम ड्यूटी लगा रहे हैं, और हम हमारे सशक्तिकरण का क्या है, उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं। हम 3 अक्टूबर को गए थे और वहां पर हमने यही अपनी आवाज उठाई कि सरकार ने, हमारे डीजी महोदय ने हमको सशक्तिकरण की बकायदे हर जिले, हर ब्लॉक में 6 आवासीय, 6 दिन की आवासीय ट्रेनिंग दी। और वो ट्रेनिंग किस चीज की थी? सशक्तिकरण की, जागरूकता की। तो हमने कहा कि पहले हम तो जागरूक हो जाएं, हमें अगर हमारा अधिकार मिलेगा, हमने जो ट्रेनिंग ली है पहले हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हम जागरूक हो गए, हमें हमारा अधिकार मिल गया, तब हम जाके इसका फील्ड में, उसका जमीनी स्तर पर प्रयोग करेंगे। सरकार हमें तो पहले हमारा सशक्तिकरण का जो भी अधिकार है वो दे दे। लंबे चौड़े अभी 9 दिन बीता, उसमें भी यही था, पहले ही दिन आदेश आ गया कि आपको सशक्तिकरण करना है, बैनर पोस्टर लेकर जाना है और सबको जागरूक करना है। और जो हम जागरूक हैं, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उसके बारे में सरकार कब सोचेगी, क्या करेगी, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये इनका महिला सशक्तिकरण, सम्मान, सुरक्षा, ये सिर्फ आडंबर है, सिर्फ झूठ है और कुछ भी नहीं है। जी सर, 29 से 30 जिलों में लगभग है, अटॉमिक कमीशन की पूरी तैयारी है और अदर जिलों से भी लगातार बात हो रही है, सब जुड़ रहे हैं, लेकिन सबके अंदर इस सरकार को लेकर, इसकी नीतियों को लेकर इतना अविश्वास है कि उनके में पुनः विश्वास जगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार धर्म के नाम पर हमको तोड़ रही है, जिस धर्म का हवाला दे देकर हमको तोड़ रही है, क्या उस धर्म का पालन ये सरकार कर रही है? मंदिरों में आप जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने, जो जीवित इंसान यहाँ पर है उसकी चिंता आपको नहीं है क्या? ऊपर से राम भगवान नहीं देख रहे हैं? अरे राम ईश्वर तो हर एक प्राणी के अंदर होता है, आप उन प्राणियों को मार कर और मूर्ति में प्राण डालने जा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? हाँ, ये किस धर्म का आप पालन कर रहे हैं? जो इंसानों के लिए हमारे देश, दुनिया में जो संविधान, जो धर्म बनाया गया, उसको तो आप पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, और धर्म के नाम पर इस तरह से अंधभक्ति आप लोगों में बांट रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं। आपको हम बता दें, हमारे यहाँ एक ही मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम सब बहुत शांति से, बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन ये सरकार इतना जहर घोल रही है, इतना जहर घोल रही है कि हम क्या बताएं। लोग अपनी अच्छी खासी रोजी रोटी छोड़कर इनके अंधविश्वास के चक्कर में, आपस में जो भाई भाई थे हिंदू मुस्लिम, आज वो दुश्मन बन गए हैं। और ये सरकार सिर्फ इस तरह का कांड रच रही है मात्र अपने वोट के लिए। इनको कौन सा धर्म माफ करेगा? ना ये हिंदू धर्म के हैं, ना ये मुस्लिम धर्म के हैं, ये सिर्फ वोट और नोट का इनका धर्म है, बाकी और कुछ नहीं। इतनी ये बेकार सरकार है कि हम इससे क्या कहें। जी जी सर, परिवार का दर्द वही समझ सकता है जिसका परिवार हो, और इसको सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, और तो अब इससे ज्यादा क्या कहें, वो हमारे दर्द को नहीं समझ सकते। भूखे मरते हैं तो मरे, वो सिर्फ अपनी झूठी शानो शौकत में ही परेशान है, और सिर्फ लड़वा लड़वा कर अपना वो नोट और वोट गर्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं। और जैसे कि आवारा पशु, और अब आगे और हम किससे क्या तुलना करें, यही हाल आवारा पशुओं का है कि जिनका कोई काम धाम नहीं है, कोई घर परिवार नहीं, उनको छोड़ दिए जाओ लोगों को और परेशान करो। तो इस तरह की इनकी नीति है, इनकी कोई भी नीति काम की नहीं है, किसी की भलाई के लिए इनकी नीति नहीं है, सिर्फ मारना, बिगाड़ना और यही, और सिर्फ झूठा आडंबर, हो हल्ला और कुछ नहीं। जी